फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का फ्यूचर हमेशा ऐसे ही अनसर्टेन रहता है। बहुत सारे कारक होते हैं जो इसके फ्यूचर को इफेक्ट करते हैं। उनमें पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल कंडीशंस आ जाती है, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, चेंजिंग कंज्यूमर बिहेवियर्स, ये कुछ ऐसे कारक है जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के फ्यूचर को तय करते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, जैसे उसकी ग्रोथ रेट में रिकावट, प्राइस का बढ़ना और जो स्ट्रिक्टनेस है, रेगुलेशंस है, उनका इंक्रीज होना। लेकिन जो ये चीज़ें हैं, ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को फ्यूचर में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी और एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाइन की तरफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को लेके जा सकती है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए। बहुत बड़ी आबादी की उम्र बढ़ रही है, जिससे फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड भी बढ़ने की संभावना है। भारत और चीन लगातार फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ग्रोथ कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी एक बहुत बड़ी मार्केट क्रिएट होने की उम्मीद है। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट है, जो साइंस है, वो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अब हम जो पेशेंट हैं उनको टारगेटेड और ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का फ्यूचर अनसर्टेन हो सकता है, लेकिन ये उन कंपनीज के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा जो चेंजिंग कंडीशन के हिसाब से अपने आप को अडप्ट कर सकती है, अपने आप को बदल सकती है, तो उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने की संभावना है।